हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टुगेदर विद अभी, जहां हम अभी पाइथन को सीख रहे हैं. और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है फंक्शंस. फंक्शंस में ऑलरेडी हमने एक वीडियो लास्ट वीडियो में कवर किया कि फंक्शंस होते कैसे हैं, डिफाइन कैसे करते हैं एंड मल्टीपल अदर थिंग्स. अब हम उसमें ज़्यादा डीप डाइव करेंगे उसको लेके. अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स जो पास किए जाते हैं. तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि किस किस तरीके से आप पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं. तो एक्चुअल में देखा जाए तो केवल दीज आर द फाइव वेज दैट यू कैन पास द पैरामीटर्स: पोजिशनल, कीवर्ड, डिफॉल्ट, आर्ग्स एंड के कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. ओके, होते क्या क्या हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं, उन सबको हम प्रैक्टिकली देखेंगे. तो सबसे पहले आ जाते हैं पोजिशनल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पोजिशनल. सिंपल सी चीज है, हम डिफाइन करते हैं, लेट्स से एनी ऑफ माय फंक्शन व्हिच इज माय प्रिंट. मैं प्रिंट कर रहा हूं एंड मैं डिफाइन कर रहा हूं ए बी सी. ओके, दीज आर द पैरामीटर्स दैट आई हैव डिफाइंड. इसके बाद क्या करता हूं, मैं केवल इनको प्रिंट करा देता हूं ए बी एंड सी. अब आप ये जो पास करेंगे, ठीक है, सो दीज आर ऑल पोजिशनल पैरामीटर्स. पोजिशनल क्यों? क्योंकि इनकी पोजिशन से डिफाइन हो रहा है कि प्रिंट क्या करना है. तो अगर मैंने यहाँ 20, 20, 30 पास कराया, तो जैसा कि यू नो यू कैन अंडरस्टैंड, मैंने पहले ही बताया था, 10 पास हो जाता है ए को बिकॉज ऑफ पोजीशन जो लेफ्ट टू राइट चलता है, यू नो दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो 10 ए को हो जाएगा, 20 बी को असाइन हो जाता है और 30 असाइन हो जाता है सी को. ओके, सो दैट इज हाउ इट इज डिफाइंड. दैट इज वाई इफ इन केस नाउ यू रन इट, इट इज गोइंग टू प्रिंट 10, 20, 30. So this is positional arguments, okay? अब आ जाते हैं keyword arguments. Keyword arguments में क्या होता है? Keyword में again same चीज है, okay? I'm going to just write the same thing, okay? But अब अगर क्या है कि हमने इसको define कर दिया, okay? कि मैं a की value यहाँ दे रहा हूँ 10, okay? b की value 20 है. I have given a keyword, okay? जो उसका आर्ग्यूमेंट की जो नेम है उसी को अगर मैंने पास करा दिया, सो दिस बिकम्स अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. ओके, सो एज यू कैन सी इट प्रिंटेड 10, 20, 30 अगेन. अब इसमें फायदा क्या हो गया कि इसका सीक्वेंस डजंट मैटर. ओके, अगर आपने सीक्वेंस ऐसे भी चेंज कर दिया, आपने सेकंड पोजीशन पे ए दे दिया एंड पहली पोजीशन पे बी दे दिया, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू वर्क द सेम वे. ओके, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सो द वे इट इज गोइंग टू वर्क, बी की वैल्यू बी में ही जाएगी, ए की वैल्यू ए में ही जाएगी. ओके, सो नथिंग, नो मोर डिफरेंसेस, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, इट इज जस्ट गोइंग टू बिहेव द सेम वे एज इट यूज टू. सो इफ यू सी, यहाँ पे बी को वैल्यू मिली 20, बी को वैल्यू मिली 10, ए को मिली 20, दैट्स व्हाई इट हैज रिटन 20, 10, 30. ओके, सो इट इज वर्किंग द सेम वे एज एक्सपेक्टेड. अब नेक्स्ट चीज आ जाती है डिफॉल्ट. डिफॉल्ट क्या होता है? सेम एग्जांपल, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल. इसी के ऊपर हम डेवलप करते जाएंगे एंड आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू. ओके, सो अब डिफॉल्ट्स में क्या होता है, आपने इसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, ठीक है, आपने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी कि बी की 20 है, ओके, और सी की डिफॉल्ट वैल्यू 30 है. नाउ नोट, ये हम कहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं? डिफॉल्ट वैल्यू आर्ग्यूमेंट में, डेफिनेशन में हम पास कर रहे हैं. अब अगर मैं माय प्रिंट लिखता हूँ और मैं अब कुछ भी लिखूँ, केवल 10 ही पास करा दूँ, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू गिव मी 10, 20, 30. ठीक है, सो इसने क्या किया, ए को वैल्यू असाइन कर दी 10, बी और सी की आपने डिफॉल्ट वैल्यू 20, 30 दे रखी है. तो अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं भी करी तो बी और सी में 20 और 30 आ जाएगा. इफ इन केस यू वॉन्ट टू ओवर राइट दिस वैल्यू, आपने कहा नहीं इसको मैं 200 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 400, सो यू कैन डू दैट. अगर आप इस तरीके से पास कराएंगे तो इसने ओवर राइट वैल्यू ले ली 10, 200, 400. ओके, सो दीज आर मेनली पोजिशनल, कीवर्ड एंड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. अब हम इनके ऊपर कुछ और पैरामीटर्स, कुछ मिक्स एंड मैच चलाते हैं कि अगर मान लीजिए आपने पहले ये लिख दिया, बाद में ये लिख दिया, तो हाउ इज इट गोइंग टू वर्क. ओके, सो लेट्स चेक दोज.
सबसे पहला रूल जो है नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर कैन नॉट फॉलो डिफॉल्ट पैरामीटर. नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर ठीक है, जैसे कि आपका नॉन डिफॉल्ट क्या है, ये यहाँ पे आपने इसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रखी, तो कॉल करते वक्त आप इस तरीके से नहीं दे सकते कि आपने लिख दिया कि डिफॉल्ट पैरामीटर नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर कैन नॉट फॉलो, तो मतलब आपने यहाँ पे इसको दे दिया ए इक्वल टू 10 और ठीक है उसके बाद आपने बी को कुछ नहीं दिया. सो यू कैन सी यहाँ पे इसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया. नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉलो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, तो इसने एरर दिया कि आपका ये जो नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ये बाद में आ रहा है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के, तो अभी वो समझ नहीं पा रहा, पाइथन प्रोसेसर समझ नहीं पा रहा कि किस तरीके से इसको ट्रीट करें. सो ऑलवेज नोट कि हमेशा डिफॉल्ट वैल्यूज जो हैं वो आखिरी में ही जानी है. ओके, यू ऑलवेज हैव टू गिव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एट द लास्ट. ओके, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं बी ए इक्वल टू 10 सी इक्वल टू 30, ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे इट इज गोइंग टू वर्क फाइन. ठीक है, तो अभी क्या हो गया, बी के अंदर वैल्यू इसने क्या ले ली, ए के बी के अंदर वैल्यू गई है 10, ठीक है, 10 को आपने सेकंड लेवल पे प्रिंट कराया, 200 वैल्यू गई ए में, ए को आपने यहाँ प्रिंट करा दिया, ठीक है, फर्स्ट लेवल पे, एंड 400 आखिरी में सी में गई, तो 210 400 इस तरीके से. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट रूल जो होता है वो है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कैन नॉट फॉलो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. पोजिशनल जो भी आर्ग्यूमेंट है वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को फॉलो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या हो गया, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी आपका सबसे आखिरी में होना चाहिए. तो इस केस में अगर मैंने क्या किया, ठीक है, आपने यहाँ पे पास कर दिया ए, ठीक है, तो देखिए ये सडनली आपको क्या करने लगा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आफ्टर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, सो इट हैज स्टार्टेड टू कंप्लेन, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. तो नोटिस कीजिएगा, जब मैंने ये वाला रूल की बात करी थी नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर कैन नॉट फॉलो डिफॉल्ट पैरामीटर, आई एम मेकिंग द चेंजेस हेयर इन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. जब मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कैन नॉट फॉलो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉल, जहां पे आप कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, ठीक है, तो दिस कैन नॉट हैपन, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज नॉट एबल टू फिगर आउट कि आपका क्या है, क्या आगे है, क्या पीछे है, सो इट ऑलवेज वॉन्ट्स अ क्लैरिटी ऑन दैट सब्जेक्ट. ठीक है, सो इन एसेंस आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो पोजिशनल ही आप सारे के सारे यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे कीवर्ड यूज करने हैं कीवर्ड यूज कीजिए. अगर आपको कीवर्ड और पोजिशनल का मैच यूज करना है तो एनश्योर कि पोजिशनल वाले सब शुरू में हों और कीवर्ड वाले सब बाद में आर्ग्यूमेंट्स पास करें आप. अगर आप सब डिफॉल्ट यूज करना चाहते हैं डिफॉल्ट कीजिए, कोई इशू नहीं है, बट अगर आप मैच यूज करना चाहते हैं डिफॉल्ट एंड पोजिशनल का, सो एनश्योर कि फंक्शन के डेफिनेशन के टाइम पे, नॉट एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल, फंक्शन के डेफिनेशन के टाइम पे ऑल दीज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड एज द लास्ट. ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. इसके अलावा भी आप बहुत सारे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप वो ट्राई करते रहिए, ठीक है, बट अभी के लिए हम उन सब पे फोकस नहीं करेंगे, अब हम आ जाएंगे. तो ये हो गया, अब मैं आता हूँ आर्ग्स पे, ठीक है, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, सो आई विल फोकस ऑन दिस. ये जो एरर थी आप देख सकते हैं दोबारा किस तरीके से रिजॉल्व करना है, सो आई एम नॉट पुटिंग माय एफर्ट्स और टाइम इनटू दैट. वी विल कवर आर्ग्यूमेंट्स बिकॉज दिस इज अ क्वाइट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. अब अगेन इसमें क्या करना है, डेफ. ओके, आर्ग्स क्या है, अभी तो हमने कीवर्ड्स और ये सब देख लिए, आर्ग्यूमेंट्स कभी कभी ऐसे हो सकते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि कितने आर्ग्यूमेंट्स पास कराने हैं. लेट्स से कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी आप करके देख लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके मैंने एक फंक्शन बनाया. अब हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट करें कि एक आर्ग्यूमेंट आ जाए, हो सकता है तीन आर्ग्यूमेंट आ जाए, कितने भी आ जाए. ओके, एंड यू वॉन्ट कि जितने भी आ रहे हैं, ओके, लेट्स से फॉर आइटम इन आर्ग्स, ठीक है, प्रिंट आइटम, ओके, तो आप जितने भी यहाँ पे पास करें, ठीक है, उतने मल्टीप्लाई हो जाए, लेट्स से 2, 3, 4. तो अभी तो सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे, तो क्या हुआ,
टू की वैल्यू, थ्री की वैल्यू, फोर की वैल्यू सब आर्क्स के अंदर चली गई, एज अ लूप की तरह ये रन किया। आइटम में पहले टू आया, फिर थ्री आया, फिर फोर आया, ठीक है, इस तरीके से बिहेव किया इसने। अब आप इसको चाहे तो मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई कराने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेट्स बना लेते हैं, एम यू एल इक्वल टू वन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम यू एल इक्वल टू एम यू एल इंटू आइटम जो भी आ रहा है उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, और इसको जो भी वैल्यू आई इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं सिंपली, उसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया, तो ओके सॉरी मैंने ही गलती कर दी, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं कराया है। सो व्हाट वी कैन डू इज ईदर वी कैन रिटर्न मल यहाँ पे एंड देन वी राइट दिस प्रिंट, यहाँ पे इस तरीके से भी वर्क कर सकते हैं, या फिर यू नो वी कैन जस्ट टेक दिस वैल्यू इन सम वेरिएबल एंड देन प्रिंट इट, सो द सेम थिंग। ओके सो दिस इज हाउ आर्ग्स वर्क। आर्ग्यूमेंट्स में क्या है, जितने भी आपके व्हेन यू डू नॉट हैव अ डिफाइंड यू नो काउंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, उस केस में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे देखा। अब क्या कहते हैं हम, पोजिशनल एंड आर्ग्यूमेंट्स, इन दोनों को अगर आपको यूज करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से कि यू ऑल्सो वॉन्ट टू पास यू नो कोई भी ऐसी वेरिएबल की आप ऑपरेशन क्या करें, मैं कहता हूँ कि मल्टीप्लाई ऑपरेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने ऑपरेशन लिख दिया, ओके, और इसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ओके। तो यू कैन डू दिस, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। सो यू सी इसने प्रिंट किया मल्टीप्लाई, उसके बाद जो चीज़ पहले हो रही थी वैसे की वैसे चल रही है। बट अगेन इम्पॉर्टेंट टू नोट, क्या ये हम ऑपरेशन को बाद में पास करा सकते हैं, विल इट वर्क इफ आई डू लाइक दैट, विल इज इट गोइंग टू वर्क, लेट्स सी, ऑब्वियसली नहीं, ओके। ये वर्क नहीं करेगा इवन इफ अगर आप इसको इस तरीके से भी लिख दें तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, यू नो सॉरी लेट्स से मल्टीप्लाई, बिकॉज यू नो मिसिंग वन रिक्वायर्ड कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट। तो इसको अगर यूज करना है तो क्या हम इसको यहाँ पे अगर कीवर्ड दे दें, ठीक है, तो ये वर्क करेगा क्या, लेट्स ट्राई दैट। अगर मैंने इसको ऑपरेशन इक्वल टू मल्टीप्लाई लिखा तो क्या वर्क करता है, नाउ इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। तो अगर आपको यूज करना है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, तो फिर तो जो आपके आर्ग्स होने चाहिए वो स्टार आर्ग सबसे आखिरी में होना चाहिए, अदरवाइज यू शुड एंश्योर दैट यू आर यूजिंग अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और उसको आप पास कराएं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कीवर्ड, सॉरी दिस इज अबाउट आर्ग्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ओनली, ओके। अब जिस तरीके से आपने यहाँ पे पास कराया, अभी आपने कीवर्ड और आर्ग्यूमेंट्स को यूज किया था, पर अगर आप अगर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के डब्ल्यू आर्ग्स को यूज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट दैट। I'm going to continue with the same example, but just for easier understanding, हम सब हटा देते हैं और इसको मैंने बोला के डब्ल्यू आर्ग्स, ठीक है, और इसको स्टार स्टार से डिफाइन करना होता है। प्लीज नोट इट इज स्टार स्टार, यहाँ पे ये जो नाम है ये आप कुछ भी रख सकते हैं, इट डजंट मैटर, बट स्टार स्टार से इज समथिंग दैट इट अंडरस्टैंड्स, ओके। लेट्स रिमूव द मल्टीपल एंड ऑल, हम अभी मल्टीपल नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करते, आई जस्ट वॉन्ट यू टू ग्रेस्प द बेसिक्स फर्स्ट, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके का कुछ कर रहा हूँ, ओके मल्टीप्लाई, ओके, और यहाँ पे अब मैं पास कराना चाहता हूँ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स विच आर ऑफ टाइप कीवर्ड, ओके। सो मैंने लिखा ए इक्वल टू वन, ठीक है, एंड देन बी इक्वल टू टू, सी इक्वल टू थ्री। अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, सो लेट्स सी व्हाट इट प्रिंट्स। अभी इसने प्रिंट किया ए बी सी, इसने वैल्यूज प्रिंट नहीं करी, इसने बस ए बी सी प्रिंट कर दिया। उसी जगह अगर मैं इसको आइटम्स लिख दूं यहाँ पे, ओके, तो अब देखते हैं क्या प्रिंट करेगा ये। अब इसने किया ए कॉमा वन, बी कॉमा टू, सी कॉमा थ्री। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये जो के डब्ल्यू आर्ग्स है, जब आपने डबल एस्टरिस्क यूज किया, व्हाट इट बिहेव्स, हाउ इट बिहेव्स, वो की वैल्यू पेयर्स की तरह इसको ट्रीट करता है। इसके अंदर जो जो वैल्यू जा रही है, जो भी आइटम क्रिएट हो रहा है, वो एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की और
वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा और आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंस क्या है आर्ग्स और कीवर्ड आर्ग्स में? आर्ग्स में इनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अगर आप जितने भी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, यू नो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन की इतना ही लिमिट रहनी चाहिए, एक दो या तीन। अगर आपकी डायनेमिक आर्ग्यूमेंट्स हैं, डायनेमिक काउंट है आर्ग्यूमेंट्स का, तो आपको इस तरीके से आर्ग्स के थ्रू दे सकते हैं। अगर वो कीवर्ड वाले हैं, कीवर्ड ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, सी इक्वल टू थ्री की तरह आप ट्रीट करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आगे जाके आप कहीं ना कहीं इसको ए बी सी को यूज करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस। अब इसको हम पोजिशनल के साथ यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पोजिशनल में आपको बस इतना क्या करना है कि यहाँ पे आपने, जैसे हमने ऑपरेशन वहां पे यूज किया था, इसी तरीके से आप यहाँ पे ऑपरेशन लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपने पास कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज। तो मैं ये वाला केस अभी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, पोजिशनल एंड के डब्ल्यू आर्ग्स वाला, ठीक है। सो लेट्स सी इफ इन केस इट वर्क्स फाइन और नॉट। यहाँ पे अगर हम प्रिंट ऑपरेशन करके देखते हैं, so is it picking up those values or is it not? So it is picking up those values, not an issue at all, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज वर्क करी। और अगर आपने यहाँ पे अब स्टार आर्ग्स भी यूज कर लिया तो भी ये वर्क करना चाहिए, ठीक है, जिसमें मैंने पास करा दिया 10, 20, 30, ठीक है। तो आप इन सब के कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी इश्यूज, ओके। तो यहाँ पे मैं यू नो आर्ग्स कर देता हूँ। Now you see the way it is going to work. Tuple object is not callable. What happened? 10, 20, 30. Where is it complaining? Item in args. For item in arguments. For item in kw. ये सब सही लग रहा है मुझे. Multiply के अंदर ये जाएगा. 10, 20, 30 के अंदर ये जाएगा. Tuple object is not callable. Oh, I'm sorry. This is the issue here. Okay, here you see. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन के अंदर मल्टीप्लाई गया, 10, 20, 30 ये तीनों के तीनों स्टार आर्ग्स के अंदर चले गए, बिकॉज दीज आर लाइक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, ओके, और डायनेमिक आर्ग्यूमेंट्स विच कैन बी ट्रीटेड एज पोजिशनल, एंड ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स जो कि डायनेमिक हैं जिनका काउंट, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू डिस्कस। अभी इनके बहुत सारे मिक्स एंड मैच आप करके देख सकते हैं क्या पहले यूज हो सकता है क्या बाद में यूज हो सकता है, बट द एसेंस इज कि दीज आर मेनली द फाइव टाइप्स, पोजिशनल, कीवर्ड, डिफॉल्ट आर्ग्स एंड के डब्ल्यू आर्ग्स। कुछ रूल्स होते हैं जो कि कॉल डेफिनेशन या कॉल फंक्शन कॉल के टाइम पे, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल के टाइम पे आपको ध्यान रखने होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको इन सब की जरूरत ही पड़े, बट स्टिल इट इज़ गुड टू नो। So I hope this has been clear to you. We have discussed a lot of cases here. We'll continue diving deep into other parameters and facets of functions. So stay tuned with us. That's all I can say. Thanks for your time.